में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ मंजुल मंजरी और सबसे पहले बात करेंगे। सीहोर मोकामा में भी पैक्स चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया जारी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 6:30 बजे से ही मतदान केंद्र पर मतदाताओं के जुटान शुरू हो गए। वहीं चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मोकामा के कन्हायपुर और घोसवारी के कुम्हरा पैक्स में अध्यक्ष पद के लिए मतदान हो रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मोकामा से विकास है। विकास, क्या कुछ अभी तक आपके पास अपडेट है मतदान को लेकर? जी देखिए, मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है। सुबह 6:30 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पैक्स का चुनाव किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले पैक्स चुनाव को लेकर घोसवड़ी वीडियो पर हमला हुआ था, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और पैक्स चुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है कुम्हरा पंचायत में, जहां पैक्स का चुनाव चल रहा है अभी। विकास, ये जानना चाहेंगे आपको, कोरोना के मद्देनजर क्या गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जा रहा है मतदान केंद्रों पर? ये देखिए, सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया है। जितने भी अधिकारी हैं मास्क लगाए हुए हैं तथा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ वहाँ सैनिटाइजिंग की भी व्यवस्था की गई है और उन सभी गाइडलाइंसों के साथ मतदान की प्रक्रिया अभी की जा रही है। अगर मतदाताओं की बात करें तो उनके बीच कैसा उत्साह देखने को मिला, क्या कितनी संख्या देखी जा रही मतदान केंद्रों पर? जी देखिए, पैक्स का चुनाव है, लिहाजा कुछ ही लोग में जो सम्मिलित लोग हैं वो आते हैं, लिहाजा प्रक्रिया जो है आराम से धीरे धीरे चल रही है। सुबह 6:30 बजे से हालांकि लोग पहुंचना शुरू हो गए थे और सुबह 6:30 बजे के बाद ही जिस समय होता है उस समय के अनुसार ही मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। चलिए, तमाम जानकारी फिलहाल शुक्रिया आपका विकास, लेकिन आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी पल पल की अपडेट्स लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि मोकामा में भी पैक्स चुनाव को लेकर मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 6:30 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन पूरी तरह से किया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।